हरियाणा विधानसभा चोणां दे लई गूला हल्के तो बीजेपी के उम्मीदवार कुलवंत बाजीगर के हक के बीच घग्गर पार के पिंडां दे विच लोक सभा मैंबर कुरक्षेत्र नवीन जिंदल पहुँचे। उन्होंने इलाके के लोगों अपील की भी तुसी कुलवंत बाजीगर जिता के हरियाणा विधानसभा से भेजो। इस मौके पर उन्होंने गलबात की गई भी हांसी मटान नहर का निर्माण किया गया हरियाणा सरकार वालों, तो उसते जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने सानू पानी नहीं दिता, पंजाब हरियाणा का हिस्सा है, पानी देवे। ये नहर हरियाणा के लिए एक लाभदायक नहर है, इस दे नाल हरियाणा के रोहतक ते दूसरे शहरां दे इलाके दे विच पानी मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेड़े इस इलाके दे लोग हैं उन्होंने लिए समाणा तो कुरक्षेत्र सीधी बस चलाण दा भी उन्होंने भरोसा दिता। उन्होंने ये भी कहा कि असी इस इलाके दे लोगों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कहती है भी हरियाणा दे विच औरतां दी सुरक्षित नहीं, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के औरत नूं असीं देवी के रूप के मनते हैं और औरतों की मजबूती दे लई उन्हों सख्ती देने लई बीजेपी लगातार काम कर रही है। उन्होंने भविख के लिए चंगा उन्होंने दिता पैसा मानदेय भी दिता जा रहा है, पेंशन भी दी जा रही है। हरियाणा के जो नशे की गल गूला चीका हल्के की गई तो उन्होंने कि मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ़ हाँ और मैं इसमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कराँगा। जब उन्होंने पूछा गया कि हुड्डा कह रहा है भी बॉर्डर खोले जाने संभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर खोले जाने, तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर तो हरियाणा के नाल लगते अंबाला और खनौरी बॉर्डर ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों नाल भी बॉर्डर खुलने चाहिए हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं मजबूरी में सरकार को सख्त कदम उठाने पैंदे हैं। बॉर्डर तो पड़ोसियों के भी खुलने चाहिए, उस दे नाल साडा भाईचारा मजबूत होंगे, साडे कारोबार दे विच वाधा होगा। आज मैं यहाँ पर गूला हल्का के अंदर घग्गर पार जो हमारा इलाका जो लगता है पंजाब के साथ लगता है, मैं यहाँ पर आया हूँ और सभी जगह लोगों का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ गूला हल्के से हमारे नौजवान साथी भाई कुलवंत बाजीगर जो पहले भी विधायक रहे हैं और यहाँ इस इलाके के अंदर इन्होंने बहुत काम किया है। लोग ये बोलते हैं मुझे कि आज तक गुला में जितने भी विधायक रहे उनके अंदर सबसे ज़्यादा काम कुलवंत बाजीगर ने यहाँ पर किया है। तो एक लोगों का जुड़ाव है, ये हमारे देसी ब्रांड नेता हैं, धरती से जुड़े हुए नेता हैं और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवारों को बहुत हमें समर्थन मिल रहा है। मुझे यहाँ से बहुत समर्थन मिला, मुझे आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं यहाँ की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। और यहाँ कुलवंत बाजीगर यहाँ से जब जीतेंगे तो उससे मुझे और बल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर और हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए और काम करेंगे और जो जो समस्याएं यहाँ वो सारी दूर करेंगे। अब आप कुलवंत जी से पूछो, आज प्रियंका गांधी आए थे, उन्होंने जुलाना रैली के अंदर कहा है भी हरियाणा बीजेपी ने महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि उनको गलत फहमी है, महिलाओं का बीजेपी बहुत सम्मान करती है और महिलाएं हरियाणा के अंदर बहुत खुश हैं। हम महिलाओं को देवी का रूप मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महिलाएं सशक्त हों, मजबूत हों और हमेशा महिलाओं के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। देखिए मैं तो ये हमेशा मैं इस बात का पक्षधर हूं और मैंने लिखा भी है, बॉर्डर जो है देश के अंदर नहीं, मैं तो चाहता हूं कि देश के हमारे पड़ोसियों के साथ भी हमारे बॉर्डर खुले होने चाहिए, हम आ सकें जा सकें और देश के अंदर, लेकिन उसके लिए लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह की कोई भी वहाँ पर अड़चन ना करें, किसी को तकलीफ़ ना हो, ये भी देखना पड़ता है, सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि कानून व्यवस्था ठीक से बनी रहे। जैसे ही व्यवस्था ठीक होगी और कोई अंदेशा नहीं हुआ कि कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये तुरंत बॉर्डर वगैरह सब खुल जाएंगे। ये सब जो है जनता के हाथों में है और ये जनता की सुविधा के लिए ही जो भी कदम उठाना पड़ा ये मजबूरी में उठाया कदम है और मैं समझता हूँ कि जैसे ही चीज़ें हालात नॉर्मल होंगे ये सब खोल दिया जाएगा। सर, रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा सवाल उठाया है कि भाजपा गुंडों की पार्टी है और आप मंच पर मौजूद थे, रीला राम ने जिस तरह का बयान दिया कि हमारे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं मेरे सामने ऐसा कोई बात नहीं करी, ठीक है, एक तो मेरे सामने कोई बात नहीं करी और एक किसी ने कोई अगर कोई मजाक में कोई बात कही हो, ठीक है, वैसे लोगों को हंसाने के लिए कोई बात कर दी हो इस टाइप से, तो उस बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। चुनाव के दौरान
कोई भाषण देने में अपने, कोई बोल दे कि भाई हम, मैं सबसे बड़ा, उन्होंने अगर ये कहा होगा कि अगर बाकी कोई व्यक्ति अपने आप को गुंडा समझता है तो हम कोई कम नहीं है, उस तरह कोई मजाक में कोई बात कही होगी। इन बातों को हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार रही थी, आप किन रास्तों से आए हो, वो रास्ते कैसे रहे आपके? देखिए रास्ते तो कई जगह जो है बहुत खराब रहे। रास्ते मतलब ये सड़क ना, अच्छा मैं रास्ते से क्या मतलब है आपका? मैं सड़कें जो है कई जगह अच्छी हैं, कई जगह रास्ते खराब हैं। और अब आप जानते हैं कि अभी बारिशें भी इस बार अच्छी बारिशें हुई, काफ़ी बारिशें हुई, बारिश अभी तक भी चल रही थी। अब बारिशों के बाद ये सारे रास्तों को हम काम करवाएंगे। और जो सड़कें बनाई गई हैं यहाँ पर, वो भी ज़्यादातर सड़कें जो है, जब भाई कुलवंत बाजीगर यहाँ से विधायक थे, इन्होंने बहुत रुचि लेकर के इन सड़कों पे काम करवाया। जिंदर सर एक रिक्वेस्ट है, 10 साल पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, यहीं पे मिले थे गड़ी सर में। इस इलाके का समाणा से कुरुक्षेत्र के लिए बस की मांग 10 साल पुरानी है। इस इलाके के 30 गांव ये हैं। अब मैं 10 साल तो मैं था नहीं, अब आपने पार्लियामेंट रहे यहाँ पहले? नहीं, पहले मैं रहा हूँ, लेकिन अभी अभी आप मुझे बताएंगे तो मैं जरूर यहाँ से बस सेवा जो है चालू करवाएंगे। देखिए हम लोगों से प्रार्थना कर सकते हैं और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मुझे ये आशा है कि यहाँ से भाई कुलवंत बाजीगर, ये पहले भी विधायक रहे हैं और ये यहाँ से इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं, ये भी इनकी क्षमता है। तो इसलिए अब तो ये पार्टी का टिकट लेकर के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। भोला जी का नशा की हब बन चुका है, तो क्या सरकार उस पर लगाम लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। मैं किसी भी तरह के नशे के सख्त खिलाफ़ हूँ, और जो जो इस नशे का धंधा करते हैं वो सावधानी बरतें, वो काम इसको बंद कर दें, वरना उनके पीछे जो है बुरी तरह से यहाँ का प्रशासन भी पड़ जाएगा, पुलिस भी पड़ जाएगी, नवीन जिंदल भी पड़ जाएगा। ये जो हंसीपुरा नहर बनाई थी जिंदल साहब, वो वैसे ही पड़ी है। आप यदि मान लो सरकार आती है तो हरियाणा में पानी, दक्षिण हरियाणा के लिए पानी के लिए कैसा है? मतलब देखिए ये हंसीपुराना की नहर बनाने के लिए, उस समय हम भी इसके, मैं कांग्रेस में था और उस समय ये हंसीपुराना नहर बनाई गई थी। इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, उद्देश्य तो अच्छा था कि हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब ने वो पानी हमें दिया नहीं। तो इसके लिए जो है पंजाब, मैं कहूँगा कि इसके लिए दोषी है पंजाब को, जो है एक बड़े भाई की तरह अपने जो हरियाणा के हिस्से का जो पानी बनता है वो उसको खुशी खुशी देना चाहिए था। तो इसलिए अब मैं आशा करता हूँ कि पंजाब इस बारे में सोचेगा और हरियाणा के साथ ये कोई सौतेला व्यवहार ना करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देगा। ठीक है। देखिए अभी अभी हमारा ध्यान जो है, आपकी बात ठीक है, हरियाणा सरकार ने अभी, आप देखेंगे कि अभी जो हमना हमारा जो घोषणा पत्र आया है, संकल्प पत्र आया है, उसमें कहा है कि 10 जिलों के अंदर उद्योगीकरण किया जाएगा। तो अभी वो 10 अभी जो है ज़िले वो अभी चुने नहीं गए हैं। हम चाहेंगे कि उसके अंदर कैथल ज़िला जरूर आए और गुलाचीका के, और 50,000 लोगों को, युवाओं को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। तो ये हमारा प्रयास होगा कि उसके अंदर गुलाचीका हल्का भी उसके अंदर कवर हो, ताकि यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। पुरुषोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।